हेलो दोस्तों, करंट अफेयर मई का जो पूछ सकता है, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आ सकता है करंट अफेयर, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे मंडी परिषद का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी लोअर के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम, केंद्र सरकार ने किस प्रकार के वाहनों के लिए ग्रीन नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्रीन प्लेट अनिवार्य कर दिए है, ठीक। हाल ही में किसने एशियाई स्क्वैश चैंपियन में खिताब जीता, जो अभी हाल में हुआ है, ये 2019 मई का करंट अफेयर है, ठीक। तो किसने जीता है, सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा ने जीता है, एशियाई स्क्वैश चैंपियन खेल होता है, ये दोनों नाम है, पहला नाम है सौरभ घोषाल, जोशना पा। कुआलालंपुर में हुआ था, महाथीर मोहम्मद इनके मतलब पीएम थे, करेंसी रिंगिट है यहाँ की। हाल ही में किस राज्य ने उड़ीसा को 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी, तमिलनाडु ने 10 करोड़ की वित्तीय सहायता दी। अभी तमिलनाडु में उड़ीसा में क्या आया था, अभी फैनी तूफान आया था चक्रवात, उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक है, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल है, और लोकसभा की सीट 21 है, राज्यसभा 10 है, विधानसभा 147। वहाँ का लोक नृत्य घुमूरा छऊ है, नेशनल पार्क भितरकनिका है, कैपिटल चेन्नई, जिन्होंने 10 करोड़ दिया है, चीफ मिनिस्टर इडप्पड़ी के पलानी स्वामी है, ई के पलानी स्वामी कहलाते हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा की 39 सीट है, राज्यसभा 18, विधानसभा 234 है। फोक डांस भारत नाट्यम है, नेशनल पार्क इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ का नेशनल पार्क है। हाल ही में किसने फल्कन 9 नामक रॉकेट लॉन्च किया, स्पेस एक्स ने, स्पेस एक्स 6 मई 2002 को हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया हॉथरोन कैलिफोर्निया में है, फाउंडर एलन मस्क और प्रेसिडेंट गायनी शूटवेल, स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 नामक रॉकेट लॉन्च किया अभी हाल ही में। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा गेम चेंजर का विमोचन किया, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी हैं। हाल ही में G7 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, फ्रांस में, G7 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक फ्रांस में हुई है, G7 में 7 है, कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूके यूएसए, G7 में इंडिया नहीं आता है ना, यूएसए यूके जापान इटली जर्मनी फ्रांस और कनाडा है ना। कहाँ हुआ था, कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, और पीएम इडो योर्ड फिलिपी है। कहाँ हुई है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। हाल ही में पीसी चंद्रा पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, देवी प्रसाद शेट्टी को दिया गया, पीसी चंद्रा पुरस्कार देवी प्रसाद शेट्टी को दिया गया है, ये देवी प्रसाद शेट्टी। 36वां फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2019 कहाँ आयोजित हुआ, पोलैंड में, 36वां फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहाँ, पोलैंड में। देखिए स्वर्ण पदक कौन कौन जीता है, फ्लाई 52 किलोग्राम का गौरव सोलंकी, 60 किलोग्राम का लाइट मनीष कौशिक बैंटम, 56 किलोग्राम का मोहम्मद हुसामुद्दीन रजत जीते हैं, लाइट वेटर 64 वारशा, पोलैंड की राजधानी वारशा, करेंसी पोलिस जॉइटी, प्रेसिडेंट एंड्रेज दूदा मातियोज मोराविकी। हाल ही में किस देश के नोट को बेस्ट नोट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 दिया, कनाडा, कनाडा का राजधानी कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर, जस्टिन ट्रूडो वहाँ के पीएम है। हाल ही में आतंकवाद विरोध पर संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक कहाँ हुई, कैनबरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्कॉट मॉरिस ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया, श्रीलंका। हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, श्रीलंका में।
श्री जयवर्धने पूरा कोटे वहाँ का कैपिटल है। करेंसी श्रीलंकन रुपी। मैत्रीपाला सिरिसेना और रेनिल विक्रम सिंघे रानिल और विक्रम सिंघे श्री जयवर्धने पूरा कोटे श्री जयवर्धने पूरा कोटे वहाँ की राजधानी है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किससे भारतीय पुरस्कार वॉलीबॉल टीम का नया मुख्य कोच नामित किया गया? ड्रैगन मिहेलोविक। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को विश्व हास्य। मंत्रा ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली और अनुष्का दोनों को। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? स्टॉप फॉर अस्थमा इसका थीम है। 7 मई को मनाया जाता है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? उड़ीसा को। उड़ीसा की राजधानी कैपिटल भुवनेश्वर। सीएम नवीन पटनायक। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। लोकसभा की 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147 है। घुमूरा और छऊ लोक नृत्य नेशनल पार्क भितरकनिका है। किस देश में 2019 में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? फ्रांस में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। करेंसी यूरो। इमैनुअल मैक्रोन ईडो यूरो फिलिपी है। हाल ही में किसने ATP पुरुष रैंकिंग में रोजर फेडरर कौन सा स्थान पर है? 3rd। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल 1972 सितंबर में हेडक्वार्टर लंदन में कैरिस कार्डे चेयरपर्सन है। रोजर फेडरर ATP रैंकिंग में 3rd स्थान पर है। हाल ही में IBSA शेरपा बैठक कहाँ संपन्न हुई? IBSA इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कोचिन में शेरपा। हाल ही में किस राज्य में दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 2019 लागू किया गया? गुजरात गांधीनगर। विजय रूपानी, ओम प्रकाश कोहली 26, लोकसभा, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। फोक डांस गरबा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। हाल ही में भारत और USA द्विपक्षीय व्यापार बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, अमेरिका का वॉशिंगटन, US डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। हाल ही में बंदना में सबसे लंबे समय तक नृत्य करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है किस देश की है? नेपाल की। बंदना ने काठमांडू कैपिटल है। इसका करेंसी नेपाल रुपी है। प्रेसिडेंट विद्या देवी आओ खड़का प्रसाद ओली इनके PM है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी लेडीज से पहली। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने एक लेजर सिस्टम को सफल प्रदर्शन किया? अमेरिका। लेजर शील्ड सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डिमोन्स्ट्रेटर शील्ड नाम है। हाल में किस देश की वायुसेना ने एक लेजर सिस्टम का नाम है शील्ड का सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डिमोन्स्ट्रेटर। हाल ही में कहाँ की अंतिम सफ़ेद बाघ बाजीराव का निधन हो गया? मुंबई। अंतिम सफ़ेद बाघ बाजीराव का निधन हो गया सफ़ेद बाघ मुंबई में बाजीराव सफ़ेद बाघ। हाल में इसरो राडार इमरजेंसी सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश। RISS-2BR इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में विक्रम साराभाई 15 अगस्त 1969 डॉक्टर के सिवान के अभी चेयरपर्सन है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। CM N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर ESL नरसिम्हन। राज्यसभा 11, लोकसभा 25, विधानसभा 175। लोक नृत्य कुचिपुड़ी नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। हाल ही में किससे VK कृष्णा मेनन पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया? GD रॉबर्ट गोविंदर को। VK कृष्णा मेनन 36वां फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2019 कहाँ आयोजित किया गया? बताना पोलैंड में। इसका आंसर टेस्ट है आपका। ये टूर्नामेंट ये करंट अफेयर है 6-7 का EMI का है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।